I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. 62 lakh. तो आपके पापा के पास हैं 62 लाख? Yes. आपके पापा मामा को तो खर्चा देते नहीं, तो कैसे 62 लाख आएंगे? नहीं, पापा मामा को खर्चा देते हैं. मामा को देते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेह पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख. नाज़रीन, आज हम निशानदेही करने जा रहे हैं. इस वक्त होंडा ने नई टर्बो स्विच जो है लॉन्च की है. नाज़रीन, इस वक्त दो मॉडल इन्होंने लॉन्च किए हैं. एक जो है स्विक ओरियल है और एक है RS. अब जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और लोग इस वक्त कितने एक्साइटेड हैं जो है नया मॉडल आया, क्योंकि होंडा पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग पसंद करते हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो होंडा के ब्रांड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. तो मैं इनसे जानता हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम शेख. सर, आपका नाम? सुभान अहमद. सुभान साहब, मुझे बताएं, आज टर्बो लॉन्च हुआ है होंडा का और ये RS मॉडल मैंने देखा है और इस वक्त मैं गैदरिंग भी देख रहा हूँ, लोग बड़े एक्साइटेड हैं यहाँ पे नए मॉडल को देखने के लिए. तो इसके कुछ फीचर्स बताएं. एक तो ये कि जो लास्ट मॉडल आपका था जो टर्बो, वो मेरे का 50 के राउंड अबाउट था. वो जो डिस्कंटिन्यू हुआ था हमारा, वो 4589 हुआ था. 4589. और ये जो प्राइस जो है वो मैं सुन रहा हूँ कि 62 से अबव है. इसमें बेसिकली तीन वेरिएंट्स आए हैं. अच्छा. एक बेसिकली टॉप वेरिएंट है हमारा जो RS टर्बो जिसको हम कहते हैं, उसके जो प्राइस है वो 6205 है. ठीक है. एंड जो इन बिटवीन मॉडल है जिसको हम टर्बो ओरियल कह रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो 5455 है. तो क्या इनमें दोनों में क्या फर्क? इसमें बेसिकली अगर मैं टर्बो ओरियल से स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको उसमें बताता हूँ. टर्बो ओरियल और RS टर्बो में जो मेजर फंक्शन है जो कस्टमर्स को इजीली समझ आ सकते हैं, उसमें ये RS टर्बो में बेसिकली जो हेडलाइट्स हैं वो LED लाइट्स हैं. राइट. एज कम्पेयर टू टर्बो ओरियल में वो हैलोजन लाइट्स हैं. ठीक है. उसमें हैलोजन है? उसमें हैलोजन लाइट्स हैं. राइट. RS टर्बो में पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं, टर्बो ओरियल में हमारे पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है. राइट. इसमें जो अलारिम रिम साइज है वो 17 है RS टर्बो के अंदर. राइट. और टर्बो ओरियल के अंदर जो रिम साइज है वो 16 इंच. राइइट. ठीक है. और जो ये तीन अभी तक डिफरेंस आपने बताया, तीन बेसिक डिफरेंस बताए हैं इसमें राइट नाउ अभी तक. और जो मेजर डिफरेंस इसके अंदर है वो राइट नाउ उसका है होंडा सेंसिंग का. जो होंडा सेंसिंग के न्यू फीचर्स दिए गए हैं, होंडा सेंसिंग के अंदर बेसिकली आपका जो आता है वो लैंड वॉच आता है, फ्रंट क्लोजन आता है, ऑटो ब्रेक शिफ्टर आता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है. ये जो फीचर्स होते हैं इसको हम वन सेंटेंस में अगर कहें तो होंडा सेंसिंग, वो चीज़ जो है वो टर्बो ओरियल के अंदर अवेलेबल नहीं है. राइट. और वो इसके अंदर RS टर्बो के अंदर अवेलेबल है. ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो हमारे काउंट होते हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं. तो मसलन अगर मैं जानना चाहता हूँ कि नाज़रीन को पता चले कि अगर आज ये लॉन्च हुआ है और अगर आज हम कोई क्लाइंट आपको बुकिंग करवाता है तो उसको कितने अर्से के बाद जो है ना इसकी डिलीवरी मिलेगी? एज पर टुडे अगर आप दोनों वेरियंट्स को बुक करवाते हैं, इस RS टर्बो और टर्बो ओरियल, दोनों का जो बुकिंग पीरियड है वो नवंबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर. ठीक है. अभी मार्च चल रहा है? बिल्कुल मार्च चल रहा है. इसका लीड टाइम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है हमारे पास. एंड सम रीजन ऑफ दैट के जो प्रीवियस ऑलरेडी ये बता रहे हैं सुभान साहब के बुकिंग पहले से ऑलरेडी हो चुकी है. बुकिंग हो चुकी है. एंड उसमें एक मेजर फैक्टर इस चीज़ का ये भी था कि जो प्रीवियस बुकिंग्स हमारी हुई हुई थी वो बेसिकली पुराने वेरिएंट की हुई हुई थी, लेकिन वो इन बिटवीन बीच में डिसकंटिन्यू हो गया. तो डेफिनेटली उन कस्टमर्स को हमने साथ शिफ्ट किया है. तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसका भी बुकिंग का कवर हुआ साथ, और इसकी वजह से थोड़ा सा जो टाइम है वो आगे चला. सुभान साहब, कितने अर्से के बाद ये जो है आपका मॉडल लॉन्च हुआ है? सर, ये लास्ट जो था वो 2016 में आया था, और रिसेंटली ये जो न्यू मॉडल अब लॉन्च हुआ है आफ्टर 5.5 ईयर्स के बाद सिविक की जो जनरेशन है वो चेंज हो गई है. पहले 10 जनरेशन थी, राइट नाउ अब ये 11 जनरेशन चल रही है. ये 11 जनरेशन है. अच्छा, एक और चीज़ ये आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 9 माह का डिफरेंस है, बुकिंग कितने जो है ना पैसों में हो रही है, मतलब कितने आपको जमा करवाने पड़ेंगे स्टार्ट में? अगर आप तीनों वेरिएंट्स का पूछते हैं तो मैं तीनों का बता देता हूँ. जो बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है उसकी जो बुकिंग स्टार्ट होगी वो 1 मिलियन से स्टार्ट हो रही है. अच्छा. एंड जो इन बिटवीन मॉडल है टर्बो ओरियल, उसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है 1.1 मिलियन से. और जो RS टर्बो है टॉप लाइन है, उसकी बुकिंग हो रही है 1.2 मिलियन से. 1.2 मिलियन से. अच्छा, ये तीनों जो आपके जो मॉडल आए हैं और तीनों जो वेरिएंट है, ये 1.5 जो है, ये तीनों वेरिएंट्स हमारे 1.5 टर्बो के अंदर ही है. 1.5 के अंदर. अच्छा, टर्बो तो अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में तो सिर्फ मोटरवे के अलावा तो कोई ऐसी रोड्स नहीं है कि जहाँ गाड़ी जो है वो शूं करके जाए, और वो टर्बो का मतलब ही यही है कि गाड़ी बड़ी फास्ट चलती है. तो यहाँ टर्बो कैसे कामयाब होगा, क्या समझते हैं आपके नाज़रीन लेंगे? यहाँ तो मोटरवे के अलावा तो फिर मोटरवे पे भी स्पीड है.
आप स्पीड लिमिट है 129 से ऊपर जा नहीं सकते। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें तो अब जो ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया उसमें यही हो गया हुआ है कि आप इंजन साइज़ जो है वो छोटे कर रहे हैं, लेकिन छोटे इंजन से पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सेम एज हमारा जो 1.0 टर्बो है उसमें बेसिक जो है वो फ्यूल एफिशिएंट कार जनरेट करना है। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी वो जो जनरेट होगी वो आपके 1.5 के इक्विवेलेंट इंजन के होगी, लेकिन वो जो पावर जनरेट कर रहा होगा वो इक्विवेलेंट टू 2.4 कर रहा होगा। इस बात से एक और चीज़ मैंने जानी थी, चाहे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपको पता है पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, तो एक तो हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ लोग जाना शुरू हो गए और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी जो हैं पाकिस्तान में आना चाह रही हैं। जो हमारे कप्तान का जो हमारे वज़ीर आज़म का विजन है कि नेक्स्ट गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँ, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के एक तरफ वो विजन है और एक तरफ फिर पेट्रोल, तो कितनी इसकी कंजम्पशन है? सर एक्यूरेट तो नहीं, मैं आपको एक्यूरेटली तो नहीं बता सकता, लेकिन एज़ पर जो मैं मिनिमम टू मिनिमम आपको बता सकता हूँ वो 11-12 इसकी इन सिटी होगी। अच्छा। एंड 14-15 अराउंड आप कह लेंगे लॉन्ग रूट के ऊपर होगी। इट्स अ मिनिमम टू मिनिमम 11-12 आपकी फुल जो है लोडेड के साथ, मतलब एसी के साथ है? बिल्कुल एसी के साथ है, डिपेंड करता है फर्दर आपकी ड्राइव के ऊपर। अगर मैं आपको पास्ट एक्सपीरियंस देता हूँ तो जो आर सर्विस हमारी यूटिलाइज होती थी कस्टमर क्लेम थे, ये कस्टमर ने खुद बताए हुए हैं एंड हमारे पर्सनल यूज में भी थी, हम इन सिटी उनसे 14.5 की एवरेज ले रहे होते थे। लॉन्ग रूट के ऊपर अराउंड 18-19 इस सिंपली डिपेंड अपॉन जो ड्राइव के आप गाड़ी को कितना स्मूथ ड्राइव करते हैं या कितना। आपको ये भी बताएं कि ये बड़ा सुनने में आता है जी कि ये आपकी ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या मतलब ड्राइव किस तरह होनी चाहिए ताकि अगर एक्सपीरियंस है? ये ड्राइव पे इस तरह डिपेंड करता है कि जिस तरह आप एक्सेलेरेट को प्रेस करते हैं तो टोटल बॉडी आपकी ओपन होती है। डेफिनेटली जब आप एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट एक्सेलेरेट कर रहे होते हैं टोटल ओपन हो रहा होता है, डेफिनेटली फ्यूल उस हिसाब से यूटिलाइज हो रहा होता है। लेकिन जब आप एकदम गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं तो डेफिनेटली आपका टोटल ज़्यादा ओपन होता है, आपके फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होती है, आपकी एवरेज उतनी कम होना चाहिए। आपका एक्सेलेरेटर के ऊपर जो है जितना फोन सॉफ्ट होगा सॉफ्ट होना चाहिए, उतनी गाड़ी की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी और उसकी एवरेज अच्छी रहेगी। नाज़रीन इस वक्त हम लोग गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और मैं जानना चाहूँगा कि सुभान साहब हमें बताएं कि गाड़ी के अंदर मजीद कौन कौन से फीचर जो है ना ऐड हुए हैं नई टर्बो के अंदर। जी सुभान साहब बताएं। इसमें जस्ट लाइक सर एक जो न्यू चीज़ आई है TFT मिक्स में आ गया हमारे पास, राइट? ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें न्यू भी हैं, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों चीज़ें साथ हैं। न्यू लॉन्च हुआ है विद एनालॉग एंड डिजिटल हैं, डोर ओपन्स के बारे में आपको बताएंगे, जस्ट लाइक आपको थोड़ी लाइट्स साथ नज़र आ रही होंगी, वो हर चीज़ के बारे में आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस टाइम आपकी गाड़ी किस मोड पर खड़ी है, हैंड ब्रेक सप्लाई है या नहीं है, फुल स्टेटस क्या है, इस तरह की सब चीज़ें आपके सामने आपके पैनल पे आ रही होती हैं। तो ये तो ऑलरेडी पहले भी तो मौजूद होती थी ना उसमें? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें पहले भी अवेलेबल होती थी, लेकिन कुछ जो है ये इसमें अगर आप हमारे जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है उसमें देखते हैं तो हमारे लिए सिविक के अंदर न्यू है, पहले इस तरह इसमें चीज़ें वैसे अवेलेबल नहीं होती। अब राइट नाउ इसमें ये होगा कि जो भी आपका डोर ओपन होगा ये उसी साइड का यहाँ पे इंडिकेट करेगा, एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिविक वो सिर्फ इंडिकेट करता था कि डोर ओपन है, लेकिन वो ये नहीं पता था कि कौन सा डोर आपका ओपन है। जस्ट लाइक इसमें हमारे पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं, इसमें आप जो जब आप स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं टर्बो यूटिलाइज करते हैं उसमें आप अपने गियर्स को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। ये बटन अगर आप देखते होंगे तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के हैं सारे, ये वाले वॉल्यूम एंड शॉर्ट कर लेंगे म्यूजिक को चेंज करने के लिए। राइट साइड पे जो ये जो लगे हुए हैं ये बेसिकली आपके हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें आप स्पीड को अपने लॉक कर सकते हैं। इससे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें आप स्पीड को प्लस माइनस कर सकते हैं। आपका नाम क्या पहले तो ये बताओ? अली हमजा। अली हमजा क्या लेने के लिए आए हैं आप? मैं RS टर्बो। यस। आपको पता है ये कौन सा मॉडल है? यस 2022। तो मुझे तो बताओ टर्बो तो बड़ी फास्ट चलती है और टर्बो तो मोटरवे के अलावा चल ही नहीं सकती, तो यहाँ आपको क्या मतलब है कि जो रेसी गाड़ियाँ पसंद है? यस मुझे बहुत तेज गाड़ियाँ पसंद है। अच्छा। यस तो इसका मतलब फिर तो आपने फास्ट एंड फ्यूरीज भी देखी होगी? यस देखी है। यस फास्ट एंड फ्यूरी। यस चलो वेरी गुड, तो फिर आज फिर लेके जाना है, पापा को कहना है मैंने लेके जानी है गाड़ी। ओके। आपको पता है ये गाड़ी कितने की है? कितने की? ये तो आप बताओ ना, पापा लेने के लिए आए। चले पापा पहले भी पापा कह रहे हैं कि मेरे पास पहले भी टर्बो है। यस हमारे पास पहले भी टर्बो, हम टर्बो ही लेके भी आए। और अब भी टर्बो लेके जानी है? कौन सी? चलो आपको बता देते हैं, इसकी कीमत है 62 लाख। पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार।